अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लिटिल सोल्स। लिटिल सोल्स में आप सीख रहे हैं जॉली फोनिक्स। अगर आप लिटिल सोल्स पे की वीडियोस को फॉलो कर रहे हैं तो आपको ग्रुप वन की साउंड्स, उनके एक्शन और उनकी वर्कशीट के बारे में पता चल गया होगा। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे ग्रुप टू की साउंड्स, मगर ग्रुप टू के साउंड्स के लिए भी वही सीक्वेंस हम फॉलो करेंगे। पहले हम साउंड की स्टोरी देखेंगे और जो साउंड हम पढ़ रहे होंगे उस साउंड पे पर्टिकुलरली हम स्ट्रेस करेंगे। उसके बाद साउंड का सॉन्ग या साउंड की पोएम और एक्शन को भी देखेंगे। आखिर में हम साउंड से रिलेटेड वर्कशीट करेंगे। ग्रुप टू में सबसे पहली साउंड आती है ख, ख, ख। लेटर सी और लेटर के की साउंड सेम होती है, जो कि है ख। चले आइए अब लेटर सी के या साउंड ख की स्टोरी सुनते हैं। साउंड ख की स्टोरी कुछ ऐसे है। एक फैमिली घूमने फिरने के लिए स्पेन गई। स्पेन में उन्होंने एक कैसल को विजिट किया। जब वो कैसल से बाहर आए तो उन्हें बहुत भूख लग रही थी, तो उन्होंने एक कैफ़े देखा और कैफ़े में गए और जाके कुछ खाने पीने लगे। अभी वो कुछ खा पी ही रहे थे कि उन्होंने देखा कि कुछ वेमेन आई और वो डांस करने लगी। वो ब्यूटीफुली ड्रेस थी और उनके हाथ में एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट था, जो कि कैस्टनेट था। वो उसको बजा के डांस करने लगे। उस फैमिली ने खूब एंजॉय किया। वहाँ एक पार्टी का सा माहौल था। कुछ बच्चे काइट्स भी फ्लाई कर रहे थे। अब इसका सॉन्ग या इसकी पोएम कुछ ऐसे है। आप एक्शन करते करते अपने हाथों के थ्रू आप सपोज करें कि आपके हाथ में भी कैस्टनेट है। जैसे कि आप देखें ये बच्चा कर रहा है, आपके हाथ में भी कैस्टनेट है और आप उस कैस्टनेट को क्लिक कर रहे हैं और साथ में ये सॉन्ग गाइए। वी आर क्लिकिंग कैस्टनेट्स ख ख ख, we are clicking castanet, we are clicking castanet, we are clicking castanet, kha kha kha, kites are flying in the sky, kha kha kha, kites are flying in the sky, flying in the sky, kites are flying in the sky, kha kha kha। चले आइए करते हैं ग्रुप टू में ख साउंड की वर्कशीट। ख साउंड की वर्कशीट कुछ ऐसे है। मैं एक्टिविटी नंबर वन है, द क्रैब मेक्स अ ख साउंड विद हिज क्लॉज, कैन यू कलर हिम इन। तो अपने बच्चे से इस क्रैब में कलरिंग करने को बोले। सेकंड एक्टिविटी है, कैन यू से ख ख, उसको ये साउंड रिपीट करवाएं विद अ पोएम, विद एक्शन और विद अ स्टोरी। इसके बाद बच्चे को कुछ वर्ड्स को ब्लेंड करने को कहें। ये वर्ड्स इस वर्कशीट में मेंशनड हैं। ये जो वर्ड्स हैं ये आप जो ग्रुप वन में साउंड्स पहले से पढ़ चुके हैं और ये जो एक आपने नई साउंड पढ़ी है ख, ये वर्ड्स उन साउंड्स को मिलाकर बनाए गए हैं ताकि आपका बच्चा कंफ्यूज ना हो। उसे जो साउंड्स पहले से आती हैं वो उनसे रिलेटेड, पर्टिकुलरली उनसे रिलेटेड वर्ड्स को रीड कर सके। जैसा कि हम ये वर्ड पढ़ते हैं एट, एट, नाउ ब्लेंडिंग एट, ख, एट, नाउ स्मूथ ब्लेंडिंग cat, cat। स्मूथ ब्लेंडिंग के लिए काफ़ी सारे वेज आप यूज़ कर सकते हैं। इस पर भी मैं डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगी। मगर एक छोटी सी एक्टिविटी है, वो ये है कि आप बच्चे की कोई टॉय कार ले लें
उसको एक साउंड पे रखें और उस साउंड से नेक्स्ट साउंड की तरफ मूव करें और बच्चे से ये कहें कि आपने साउंड को ब्रेक नहीं करना, लाइक एट एट, ऐसे नहीं पढ़ना, एट एट, नो आपने उसे स्मूथली ब्लेंड करना, डे वन से ही सिखाना है एट एट। अब हम इस साउंड को भी इसके साथ ब्लेंड करते हैं, कैट कैट, सिमिलरली एप एप, ख एप, खेप खेप। इस वाले वर्ड को अगर आप देखें, इसमें लेटर्स तो फोर हैं मगर इनमें साउंड्स थ्री हैं, ह ए ख। सबसे पहले आप इन दो साउंड्स को ब्लेंड कर लें या इन दो साउंड्स को ब्लेंड कर लें, एक एक ना, ह एक, फेक फेक। सिमिलरली एक एक, एक सैक, या आप ऐसे भी ब्लेंड कर सकते हैं, से सैक। नंबर थर्ड एक्टिविटी है, थ्री ऑफ दीज पिक्चर्स हैव अ ख साउंड इन देम, क्रॉस आउट द वन दैट डज नॉट। खाइट, अगर आप खाइट को देखें तो इसमें ख साउंड आ रही है, बच्चे को पढ़ाते हुए इस वक्त आप ख साउंड पे फोकस करेंगे क्योंकि ये एक न्यू साउंड है उसके लिए। खाइट, इसमें ख साउंड आ रही है, ये आप फिक्र बिल्कुल मत करें कि ये के की साउंड है या सी की साउंड है, सिर्फ और सिर्फ आपने उसको सबसे पहले साउंड्स सिखानी है, लेटर के नेम्स बिल्कुल नहीं सिखाने। कैट कैट, नेक्स्ट पिक्चर है कैमरा कैमरा, इसमें भी साउंड है, एप्पल एप्पल, इसमें ख साउंड नहीं आ रही। जब हम 46 साउंड्स को कवर कर लेते हैं उसके बाद हम बच्चे को लेटर के नेम्स सिखाना शुरू करते हैं। अब आपने उसको राइटिंग प्रैक्टिस करवानी है, राइटिंग प्रैक्टिस के लिए आप ऐसे कह सकते हैं, लेट्स मेक अ कैटरपिलर, ख ख ख ख ख ख ख, वी मेड अ कैटरपिलर, ख कैटरपिलर ख। ये मैं पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ कि बच्चे को फौरन से पेज पे मत लेकर आए, पहले उसे हवा में, रेत पे, आटे पे, चीनी पे, सॉइल पे, किसी भी चीज़ पे या स्लेट पे, किसी भी चीज़ पे बच्चे से उसकी उंगली से लिखवाएं। उंगली से लिखवाने से ये होगा कि मल्टी सेंसरी ये एक टेक्निक हो जाएगी जिसकी वजह से उसकी जो मस्कुलर मेमोरी में ये वाला लेटर जो है वो बैठ जाएगा और उसको पता चल जाएगा कि इसको मुझे कैसे ट्रेस करना है, इस साउंड को कैसे ट्रेस करना है। इसके लिए आप कुछ ऐसा कह सकते हैं, स्टैंड स्ट्रेट स्टैंड स्ट्रेट, बेंड योर नी एंड किक अ बॉल, इट इज़ ख ख ख ख।